अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हो आप सब? आई होप सो गाइस यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली ग्रेट एंड फाइन। सो वी आर बैक अगेन विद अ न्यू रिएक्शन वीडियो। बहुत बार हमने सुना है हजरत इजराइल। सो आज फाइनली हम उनका एक वाक्य सुनने जा रहे हैं। मौत का फरिश्ता मलिकुल मौत हजरत इजराइल के सामने कौन है? हजरत इजराइल कौन है? तो भाई देखते हैं मौत के फरिश्ते का क्या वाक्य है हजरत इजराइल। तो बाकी इसको करते हैं प्ले, फिर करते हैं बाकी बातें डिस्कस। सो कर प्ले। हम आपको बताएंगे मलिकुल मौत के बारे में कि हजरत इजराइल अलैह सलाम मलिकुल मौत कैसे बने, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों ये कुदरती अमर है कि जब मलिकुल मौत हजरत इजराइल का नाम इंसान सुनता है तो बदन में कपकपी सी आ जाती है। मलिकुल मौत यानी हजरत इजराइल अलैह सलाम ही वो फरिश्ता है जो इंसान की रूह को कब्ज फरमाएगा। तमाम इंसानों की रूह कब्ज करने के लिए अल्लाह ताला ने किसी फरिश्ते की ड्यूटी लगाई है। दोस्तों ये आखिरी ड्यूटी हजरत इजराइल अलैह सलाम को ही क्यों दी गई थी, तो ये एक दिलचस्प हकीकत है जिसके बारे में हम आपको बताएंगे, और इसके अलावा भी आपसे जुड़े चंद दिलचस्प हकायक आपको बताएंगे। आपकी शक्लो सूरत कैसी है, आपको अल्लाह ताला ने किस कदर ताकत और कुदरत अता फरमा रखी है, और आप एक ही वक्त में सैकड़ों और करोड़ों रूहें कैसे कब्ज कर लेते हैं। क्या हजरत इसराइल को हजरत मूसा अलैह सलाम ने थप्पड़ मारा था या नहीं? क्या इसराइल को कभी किसी की रूह कब्ज फरमाते हुए अफसोस हुआ है? इसका जवाब हम आपको आज की वीडियो में बताने वाले हैं। प्यारे दोस्तों सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं कि आखिर रूहों को कब्ज करने की ड्यूटी हजरत इसराइल को ही क्यों सौंपी गई। तो इस हवाले से रिवायत मशहूर है कि अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम का पुतला बनाने का इरादा फरमाया था तो जिब्रील को रब्बुल आलमीन ने हुक्म दिया था कि एक मुश्त खाक जमीन पर से ले आओ। बहुक्म इलाही जिब्रील अलैह सलाम आसमान की बुलंदी से फौरन जमीन पर आए जहां पर अब खाना काबा है। उन्होंने चाहा कि एक मुश्त खाक लें लेकिन जमीन ने उनको कसम दी और कहा, जिब्रील खुदा के लिए यहां से खाक लेकर मत जाओ, इससे खलीफा पैदा होगा और उसकी औलाद बहुत ही गुनाहगार, मुझ पर अजाब होगी, मैं मिस्कीन हूँ, अजाब खुदा की ताकत और तहम्मुल नहीं रखती हूँ। इस बात को सुनकर हसरत जिब्रील अलैह सलाम खाक से बाज आए और जमीन पर से मट्टी न ली। गरज इसी तरह जिब्रील अलैह सलाम वापस लौट गए और मीकाइल और इसराफील अलैह सलाम से ये काम भी अंजाम न हो पाया तो इसराइल को भेजा, उनको भी जमीन ने मना फरमाया। उन्होंने कहा कि जिसकी कसम देती है मैं उसी के हुक्म से आया हूँ, मैं उसकी नाफरमानी नहीं करूँगा, तो उसको लेकर जाऊँगा। बस इजराइल ने हाथ निकालकर एक मुट्ठी खाक भर सरजमीन से ले ली और फिर आलमे बाला पर चले गए और अर्ज की, खुदावंद तू दाना और बीना है, मैंने ये हासिल किया है। अल्लाह ने फरमाया, ऐ इजराइल मैं इस खाक से जमीन पर खलीफा पैदा करूंगा और इसकी जान कब्ज करने के लिए तुझी को मुकरर करूंगा। तब इजराइल अलैह सलाम ने माजरत की कि या रब तेरे बंदे मुझे दुश्मन जानेंगे। जनाबे बारी ने फरमाया, ऐ इजराइल तू गम न कर, मैं तमाम मखलूक का मालिक हूँ, मैं हर एक मौत का सबब गर्दानूंगा, हर शख्स अपने अपने मर्ज में गिरफ्तार रहेगा, तब दुश्मन तुझे न जानेगा। किसी को दर्द में मुब्तला करूंगा और किसी को तिब में और किसी को पानी में गर्क कर दूंगा। प्यारे दोस्तों इसी हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की रिवायत है कि जब अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैह सलाम को पैदा फरमाने का इरादा किया, जिब्रील को जमीन से कुछ मिट्टी लाने को कहा। जब हजरत जिब्रील जमीन से मिट्टी लेने गए तो मिट्टी ने कहा, तुझे उस जात की कसम देती हूँ जिसने तुझे मेरे पास भेजा है, तुम ये मट्टी लेकर ना जाओ, इस मट्टी से जो इंसान बनेगा वो फसाद फैलाएगा और खून बहाएगा और उसको आग में जलना पड़ेगा। ये सुनकर जिब्रील अल्लाह की बारगाह में पहुंचे तो अल्लाह ने दरियाफ्त किया कि मट्टी क्यों नहीं लाए, तो हजरत जिब्रील ने जवाब दिया, अल्लाह जब उसने आपकी अजमत का वास्ता डाला तो मैंने उसे छोड़ दिया, तो अल्लाह ताला ने हजरत इसराफील को भेजा और उनके साथ भी यही मामला हुआ, मीकाइल को भेजा तो उनके साथ भी यही मामला हुआ, यहाँ तक कि इसराइल को भेजा तो जमीन ने इसराइल को भी यही जवाब दिया। इसराइल ने फरमाया, ऐ जमीन जिस साथ ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है वो तुझसे ज्यादा इताअत और फरमाबरदारी के लायक है।
मैं उसके हुक्म के सामने तेरी बात कैसे मान सकता हूँ। चुनाचे आपने जमीन की मुख्तलिफ जगहों से कुछ मट्टी ले ली और अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए तो अल्लाह ने फरमाया, क्योंकि तुम इस मट्टी को लेकर आए हो, अब तुम ही उनकी रूह कब्ज किया करोगे। तो आपने कहा कि लोग मुझसे नफरत करेंगे, तो अल्लाह ने वादा फरमाया कि कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा और ना ही कोई बुरा भला कहेगा। प्यारे दोस्तों, चलिए अब आपको हजरत इज़राइल की शक्ल सूरत के बारे में बताते हैं। हजरत इज़राइल की शक्ल सूरत एक हदीस के मुताबिक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने घर में तशरीफ फरमा थे कि अचानक घर में एक खूबसूरत नौजवान शख्स दाखिल हुआ। आपने पूछा, ऐ अल्लाह के बंदे, इस घर में किसने दाखिल होने दिया? उसने कहा, घर वाले ने। आपने फरमाया, बेशक साहिब खाना को इख्तियार है, ये तो बताओ कि तुम कौन हो? उसने कहा, मैं मलिकुल मौत हूँ। फरमाया, मुझे तुम्हारी चंद निशानियाँ बताई गई हैं, लेकिन कोई भी निशानी नजर नहीं आ रही। तो मलिकुल मौत ने पीठ फेर ली और आपने देखा कि उनके जिस्म पर आंखें ही आंखें नजर आने लगी और जिस्म का हर बाल नोकदार तीर की तरह खड़ा था। हजरत इब्राहिम ने फौरन तऊस पढ़ा और कहा कि आप अपनी पहली शक्ल में तशरीफ लाएं। एक दूसरी रिवायत में है कि जब उसने पीठ फेरी तो वो शक्ल नजर आई जिसमें वो बुरे लोगों की रूहों को कब्ज करता है। इब्ने मसूद और इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हों की रिवायत में है कि हजरत इब्राहिम ने मालूम किया कि आप मुझे वो शक्ल दिखाएं जिसमें आप कुफार को नजर आते हैं। उसने कहा कि आपकी ताकत से बाहर है और फरमाया, आप अपना मुंह मोड़ लीजिए। जब देखा तो सियाह शख्स के सर में आग के शोले निकल रहे हैं और उसके जिस्म से बाल की बजाय तीर और मुंह से आग निकल रही है। ये देखकर आप पर गशी तारी हो गई और उसके बाद आपने देखा कि मलिकुल मौत अपनी शक्ल में मौजूद थे। अब ये बताएं कि मोमिन की रूह कैसे कब्ज करते हैं? तो कहा कि पीठ फेर लीजिए। आपने मुंह फेर कर देखा तो आपके सामने एक हसीन नौजवान खड़ा था जिसके कपड़े सफेद और जिस्म महक रहा था। आपने मंजर देखकर फरमाया कि अगर मोमिन को आपके दीदार की दौलत नसीब हो जाए तो उसके लिए यही काफी है। तो मालूम हुआ कि हजरत इज़राइल की शक्ल सूरत मोमिन की रूह कब्ज करने के लिए और होती है और मुशरिक और काफिर की रूह कब्ज करने के लिए आपकी शक्ल और होती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें मौत की तैयारी की तौफीक अता फरमाए ताकि हमारी रूह आसानी से कब्ज हो जाए और हमें इज़राइल की वो शक्ल सूरत देखने को मिले जो मोमिन के लिए होती है। अब बात करते हैं हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को थप्पड़ मारने के बारे में। तो याद रहे कि हजरत इज़राइल का एक वाकया है जो कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मलिकुल मौत को थप्पड़ मारने के हवाले से है। इस हवाले से हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मौत के फरिश्ते को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ इंसानी शक्ल सूरत में भेजा गया। जब फरिश्ता आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने उसे थप्पड़ मारकर उसकी आंख फोड़ दी। तो वो अपने रब ताला के पास गया और अर्ज किया, ऐ अल्लाह, तूने मुझे ऐसे बंदे की तरफ भेजा जो मरना नहीं चाहता। अल्लाह ताला ने उसकी आंख दुरुस्त फरमा दी और फरमाया, उसके पास दोबारा जाओ। See Wednesday specials, 12 pieces for rupees 350. Wednesday hai, let's KFC. और उन्हें कहकर अपना हाथ किसी बैल की पुश्त पर रखें, उन्हें हर बाल के एवज जो उनके हाथ के नीचे आएगा एक साल की जिंदगी मिलेगी। लेकिन उन्होंने अल्लाह से दुआ की कि मुझे एक पत्थर फेंकने के फासले तक मुकद्दस सरजमीन के करीब कर दिया जाए। रसूल अल्लाह ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो तुम्हें रास्ते के एक जानिब सुर्ख रंग के टीले के नीचे उनकी कब्र दिखाता। दूसरी इस हिकायत को सुनने के बाद जहन में सवाल आता है कि ऐसा क्यों हुआ। इब्ने बत्ताल रहमुल्ला कहते हैं कि असल में अल्लाह ताला ने फरिश्तों को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के इम्तिहान के लिए भेजा था न कि मौत के लिए, और फरिश्ता इंसानी शक्ल में आया इसलिए ये मामला पेश आया। दोस्तों, ये थी कुछ हिकायात और रिवायात। आखिर में आपको हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हाजरी का ईमान अफरोज वाकया सुनाते हैं। रिवायात में आता है कि अल्लाह ताला ने मलिकुल मौत की तरफ वही फरमाई
कि मेरे हबीब और मेरे महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की तरफ चले जाओ और इंतहाई खूबसूरत शक्ल इख्तियार करके हाजिरी देना और आपकी रूह कब्ज करने में बहुत ज्यादा नरमी से काम लेना। हजरत मलिकुल मौत जमीन पर उतरे, एक अराबी की तरह आपके दरवाजे पर खड़े हो गए, फिर अर्ज करने लगे, अस्सलामु अलैकुम, मुझे अंदर आने की इजाजत है। हजरत आयशा सिद्दीका ने फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हजरत फातिमा ने कहा, ए अल्लाह के बंदे, अल्लाह हर कदम पर अज्र अता फरमाए और रसूलों को अपनी जान का ख्याल है। उन्होंने दोबारा आवाज दी तो हजरत आयशा ने हजरत फातिमा से कहा, इस आदमी को जवाब दो। हजरत फातिमा ने कहा कि अल्लाह के बंदे, अल्लाह तुझे हर कदम पर अज्र दे। मगर थोड़ी देर गुजर जाने के बाद उन्होंने फिर सदा की कि क्या मैं दाखिल हो सकता हूँ, मुझे जरूर दाखिल होना है। तो रसूल अल्लाह ने हजरत इज़राइल अलैहिस्सलाम की आवाज सुन ली, फरमाया, ए फातिमा, दरवाजे पर कौन है? उन्होंने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, एक आदमी दरवाजे पर अंदर आने की इजाजत मांग रहा है। हमने उसे दो मर्तबा जवाब दिया तो उसने तीसरी बार सदा दी, जिससे मेरी जान कांपने लगी। रसूल अल्लाह ने फरमाया, ए फातिमा, तू जानती है कि दरवाजे पर कौन है? ये दोस्तों को खत्म करने वाली है, जमातों को बखेरने वाली है, ये औरतों को बेवा करने वाला है, बच्चों को यतीम करने वाला है, ये घरों को बेआबाद और कब्रों को आबाद करने वाला है, ये मलिकुल मौत है। फिर फरमाया, ए मलिकुल मौत, अल्लाह आप पर रहम करे, दाखिल हो जाओ। बस मलिकुल मौत हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की बारगाह में दाखिल हो गए। फरमाया, मलिकुल मौत, तुम सिर्फ मेरी ज़ियारत के लिए आए हो या जान लेने के लिए? उसने कहा कि दोनों काम करने के लिए आपके पास आया हूँ। मुझे अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि मैं आपकी इजाजत के बगैर आपके घर में दाखिल न हूँ और आपकी रूह आपकी इजाजत के बगैर न लूं। अगर आप इजाजत दें तो ठीक है, वरना अपने रब की तरफ लौट जाऊं। प्यारे दोस्तों, ये शान मेरे महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम की, उनके जिस्म अनवर से रूह कब्ज करना तो दरकिनार, उनकी इजाजत के बगैर उनके घर में दाखिल नहीं हो सकते। हजरत इज़राइल अलैहि सलाम ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं बड़े बड़े बादशाहों को देखता हूँ लेकिन किसी से भी नहीं पूछता, किसी से इजाजत नहीं लेता, लेकिन अल्लाह रब ताला ने हुक्म दिया है कि मेरे महबूब के घर जाने की इजाजत लेनी है और रूह कब्ज करने की भी इजाजत लेनी है। अगर वो इजाजत अता फरमा दें तो अंदर जाना, इजाजत दें तो रूह कब्ज करना, वरना लौटकर मेरी बारगाह में वापस आना। दोस्तों, यह है मकाम महबूबियत, लेकिन आज के गुमराह लोग इसका मकाम समझते नहीं। ये तो वो मकाम है जहाँ पर मलिकुल मौत दस्त बदस्त इजाजत मांग रहा है, लेकिन मेरे रब ने हुक्म फरमाया है कि अगर मेरे महबूब रूह का इज़्न अता फरमा दे तो ठीक है, वरना गुस्ताखी न करना और लौट कर मेरी बारगाह में हाजिर हो जाना। हदीस में मौजूद है कि खालिक कायनात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम को इख्तियार दिया था कि ऐ मेरे महबूब, अगर हमेशा की जिंदगी चाहो तो हमेशा जमीन के ऊपर चलते फिरते रहो और चाहो तो मेरे पास लौट आओ। यह आपकी चाहत थी कि आपने फरमाया, या अल्लाह, मैंने सहाबा को सब कुछ बता दिया है, अब मैं रफीक़े आला को पसंद करता हूँ। ये इख्तियार किसी को नहीं दिया गया, बाज अंबिया अलैह सलाम को दिया गया है, लेकिन महदूद, जितना अरसा रहना चाहो रह लो, मगर तुमको ही लौट कर आना पड़ेगा। लेकिन रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालेहि वसल्लम को खालिक कायनात ने इज़्नाम दे दिया कि चाहो तो हमेशा के लिए जमीन पर रहने वाली जिंदगी इख्तियार कर लो और चाहो तो मेरे पास आ जाओ। नबी अकरम ने अपने इख्तियार से अल्लाह की रफाकत को पसंद फरमाया। हजरत मलिकुल मौत ने अर्ज किया, मैं आया जरूर हूँ, मेरा मकसद आपकी ज़ियारत करना है, अगर आप इजाजत दे तो रूह कब्ज कर लो, लेकिन ये कब्ज करना आपके इज़्न से मशरूत है, इजाजत हो तो ठीक, वरना वापस चला जाओ। दोस्तों, आइए मिलकर बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश करते हैं। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। सो गाइज, ये थी वीडियो मौत का फरिश्ता मलिकुल मौत हजरत इज़राइल के बारे में। बहुत ही इंटरेस्टिंग, मतलब ये मैंने पहली बार सुना है, मैंने कहीं भी इस टॉपिक का नाम और जिक्र भी नहीं सुना था। सो इसका ये था कि जब हजरत आदम को बनाने की बारी आई थी तो हजरत जिब्रील पहले, सबसे पहले वो आए थे मिट्टी लेने,
एंड मिट्टी ने उनको कहा था कि नहीं तुम मतलब तुम्हें उसकी कसम है, तुम्हारे रब की कसम है, तुम इस मिट्टी को मत लेके जाओ क्योंकि इससे जो भी इंसान पैदा होगा वो आग में जले कुछ ऐसा वैसा होगा। सो काफ़ी सारे फरिश्ते आए थे लेकिन लास्ट में हज़रत इज़राइल आए जब, तो उनको भी वैसे ही मना करा लेकिन वो कहते कि मेरे लिए तेरा आदेश बिल्कुल कम है मेरे रब के आदेश के आगे। सो मिट्टी लेके गए थे, देन उसके बाद उनको जो है मलिकुल मौत में कन्वर्ट करा गया था कि वो जाके सभी की रूह कब्ज करेंगे। हाँ। और जैसे उन्होंने कही थी एक बात कि खुदा ने कहा कि मेरे रसूल के घर पे जाने से पहले इजाज़त लेना पड़ेगी, भाई हर किसी को लेना पड़ेगी। तो हम भी कई बार जाते हैं ना कहीं पे ऐसी जगहों पे है ना रिलीजियस प्लेसेस पे, तो हमें भी भाई इजाज़त होती है, हम बोलते हुए हैं कि हमें बुलावा आया है तो हम जा रहे हैं इस वजह से। तो उनकी इजाज़त के बिना भाई मलिकुल मौत नहीं आ सकती, हम तो फिर भी इंसान है। सो बाकी ये था वाक्य, होप सबको वाक्य पसंद आया हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।